Hi guys, I welcome you all to Inside SSB YouTube channel. I'm Vishali, and today we are going to cover a topic that is cricket. And जितने भी लोग FCAT exam देते हैं या फिर दे चुके हैं पहले, even if you are a fresher, I will tell you this thing कि cricket एक ऐसा section है जिसमें हर shift में एक ना एक question आपको देखने को मिलता है. Not only in exam but also in the shift. Okay. So this video is very very important क्योंकि मैंने इसमें सारी important section अच्छे से cover किए हैं. जो भी पूछे जा सकते हैं ओके ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन आका बुट कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच वॉज प्लेड इन विच ईयर नाउ ये जो फर्स्ट हैं मैचेस चाहे वो टेस्ट मैच हो वन डे इंटरनेशनल हो दे टेन टू बी अ लिटल इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ क्रिकेट ओके सो इट वॉज प्लेड इन एटीन सेवनटी सेवन फॉर दिस फर्स्ट टाइम और ये खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द विनर सो विनर वॉज आपका ऑस्ट्रेलिया ही है जो ये जीता था पर्टिकुलर मैच ओके एंड ये जो फॉर्मैट होता है टेस्ट क्रिकेट हो और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो इसको हम एक ट्रॉफी बोलते हैं दैट इज द एशेज है ना कोई पूछे कि द एशेज किससे एसोसिएटेड है इट इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट ठीक है मूविंग ऑन टू 1971 इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जैसे कि टेस्ट मैच फर्स्ट 1877 में खेले गए थे 1971 में फर्स्ट आपका वन डे इंटरनेशनल खेला गया था दिस वाज आल्सो बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड और कौन जीता था यह आप बताएंगे इस फॉर्मेट में 50 ओवर पर टीम खेलती है ठीक है वन डे नेशनल में कितने होते फिफ्टी ओवर पर टीम देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ 1975 इसकी क्या इंपॉर्टेंस है 1975 जो है इसके अंदर फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको स्टार मार्क कर लेना ठीक है ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे भी गए हैं इस टाइप में सो इट इज इंपॉर्टेंट ओके एंड ये जो मैच है वो जीता गया था फर्स्ट मैच ठीक है वो किसने भी जीता था वेस्ट इंडीज ने जीता था और ये इंग्लैंड में हुआ था ठीक है सो दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग इंडिया आज तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है इंडिया जो है टोटल दो बार वर्ल्ड कप जीता है वन इज इन 1983 एंड वन इज इन 2011 ये हमने uh, किसके अगेंस्ट जीते थे कौन सी टीम हारी थी हमसे तो वेस्ट इंडीज हारी थी यहाँ पर और 2011 सब जानते हैं इसमें श्रीलंका हारी थी ठीक है देन कैप्टन कौन था अपना टीम का जब हम ये मैच जीते सो ही वॉज कपल देव इन नाइनटीन एंड टू एम एस धोनी ठीक है देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप प्लीज़ ध्यान देना मैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप बोल रही हूँ वहाँ पे ओके टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप वॉज प्लेड इन टू थाउजेंड एंड सेवन मैच की बात करें तो वुमेन में मैच टू थाउजेंड फोर में खेला गया था फर्स्ट और मैंस में हमारा टू थाउजेंड फाइव में खेला गया था लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम टू थाउजेंड सेवन में खेला गया था ठीक है और ये खेला गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो लास्ट मैच था ओके okay? इंडिया एंड पाकिस्तान और जो विनर था वो इंडिया था इसलिए हमारे लिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है और जो इसका नेक्स्ट एडिशन है दैट इज गोइंग टू बी इन यू एंड ओमान ठीक है तो इसका जो नेक्स्ट एडिशन है दैट इज़ इन 2021 का जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप है दैट इज़ गोइंग टू बी इन यू एंड ओमान दीज आर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड एक और चीज़ बता देती हूँ अगर आ, पेपर में आता है कि फर्स्ट क्रिकेट मैच कब खेला गया था ठीक है सो फर्स्ट क्रिकेट मैच जितना जाना जाता है वो इज प्लेड इन 1844 बिटवीन यूएसए एंड कनाडा ओके और ये कहाँ पे खेला गया था न्यूयॉर्क में खेला गया था दिस इज ऑल्सो अ लिटिल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम इंडियन टेस्ट टीम के जो फर्स्ट कैप्टन थे वो कौन थे ओके okay? सो so, इसका जो आंसर है दैट इज सी के नायडू ठीक है आप एक और चीज़ जानते होंगे कर्नल सी के नायडू करके एक ट्रॉफी भी आती है राइट uh, तो ये जो ट्रॉफी है अगर कोई पूछे तो किस चीज़ से एसोसिएटेड है इट इज असोसिएटेड टू क्रिकेट ओके एंड 2020 विनर जो रहे हैं इस ट्रॉफी के दैट इज विधर्भा ओके विधर्भा हैज़ बीन दिनर ओके एंड बी जो है वो ये टूर्नामेंट अरेंज कराता है फॉर अंडर ट्वेंटी ओके सो दिस इज टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू नाउ इफ समी आस्क जैसे कि उन्होंने पूछा टेस्ट टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे इसी तरीके से अगर कोई पूछे फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल टीम कैप्टन कौन थे सो so, जो अजीत वाडकर हैं वो हमारे फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल टीम के कैप्टन रहे हैं ओके एंड एम एस धोनी एम एस धोनी आप सब जानते हैं तो आप सब जानते हैं 2011 वर्ल्ड कप अभी हमने डिस्कस किया है ना उस टाइम पे कैप्टन थे कपिल देव 1983 वर्ल्ड कप के टाइम पे कैप्टन थे ठीक है इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि फर्स्ट टी ट्वेंटी कैप्टन कौन थे सो टी ट्वेंटी की अगर बात करते हैं सो ही वॉज वीरेंद्र सहवाग ठीक है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फिर से अब देखो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम कौन थे सी के नायडू थे टेस्ट टीम की बात करें वनडे इंटरनेशनल टीम कैप्टन अजीत वाडकर एंड फर्स्ट टी ट्वेंटी कैप्टन वॉज वीरेंद्र सहवाग ठीक है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज फर्स्ट विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे पहले कब खेला गया था अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट वर्ल्ड कप जो मेन का था वो कब खेला गया था प्लीज जल्दी से आंसर करो कमेंट सेक्शन में लेट मी सी कितना याद है आपको सो अगर हम बात करते हैं ये खेला गया था 1973 में ठीक है कहां पर खेला गया था इंग्लैंड में खेला गया था ओके okay. ऑल्सो अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट कौन आया अगर फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं सो हु वॉज द विनर तो विनर भी अपना इंग्लैंड ही था ठीक है 1958 में इंटरनेशनल विमेन क्रिकेट काउंसिल जो है वो फॉर्म हुई थी ठीक है और बाद में क्या हुआ था कि 2005 में इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट काउंसिल जो है ये मर्ज हो गई थी आईसीसी के साथ ठीक है सो so, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपको याद होनी चाहिए बिकॉज uh, इससे पहले जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप थे विमेन रिलेटेड वो हमारा इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट काउंसिल ही अरेंज करता था बट अब क्या है कि वो मर्ज हो गया आई के साथ सो आई टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज हेड क्वार्टर ऑफ आई सी सी आई सी सी पहली बात किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है बिकॉज इसका जो नेमिंग है वो चेंज हुआ था नाइनटीन एटी नाइन में इससे पहले क्या नेमिंग था दैट यू विल टेल मी ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसको बोला जाता है एंड नाइनटीन एटी नाइन में इसका नाम रखा गया इससे पहले कुछ और नाम था यूल मी की काउंसिल की जगह कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता था ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस तो ये हमारा दुबई में है ठीक है दुबई में इट इज सिचुएटेड नाउ माई क्वेश्चन टू यू एस कि कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है राइट सो आबूधाबी जो है वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है याद हो जानी चाहिए ये सारी चीजें एग्जाम इज वेरी वेरी नियर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द लीडिंग रन स्कोर एंड सेंचुरी मेकर इन टेस्ट क्रिकेट सो टेस्ट क्रिकेट में लीडिंग रन स्कोर और सेंचुरी मेकर कौन है दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ओके सो so, इसका जो आंसर है इज सचिन तेंदुलकर ठीक है टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो लीड करते हैं इज सचिन तेंदुलकर और इसके साथ साथ ये फर्स्ट इंडियन भी हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी ठीक है डबल सेंचुरी किस में ओडिया डाट इज वन डे इंटरनेशनल में हिट की है ठीक है और ये किसके अगेंस्ट की थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए सचिन तेंदुलकर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन दैट इज मुथैया मुरलीधरन ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस वन थिंग कौन सी कंट्री से हैं ही इज़ फ्रॉम श्रीलंका ओके एंड बाई इज़ ही फेमस बिकॉज ये हाइएस्ट विकेट टेकर हैं हाइएस्ट विकेट टेकर ओके इन टेस्ट क्रिकेट ओके इन्होंने आज तक कितनी विकेट्स ली हैं आपको पता है या नहीं इट इज़ टोटल ऑलमोस्ट 800 हंड्रेड विकेट्स ठीक है सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अब तो ये रिटायर हो गए ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जॉर्ज लॉमेन तो ये टेस्ट क्रिकेट में इनकी बेस्ट बोलिंग एवरेज रही है ओके okay. इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी पॉली उम्रेगर आपने एक अवार्ड भी सुना होगा है न इनके नाम से ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने स्कोर किया है डबल सेंचुरी ठीक है फर्स्ट इंडियन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन टेस्ट मैच और ये इन्होंने किसके अगेंस्ट किया था इट वॉज़ अगेंस्ट न्यूजीलैंड ओके ये भी इंपॉर्टेंट है अब जो ये फर्स्ट हु हु इज़ काइंड ऑफ क्वेश्चन हैं है तो हमें मैक्सिमम कवर कर लेने अब हर एक तो यू के नॉट कवर बिकॉज बी ऑलमोस्ट यू नो फिफ्टी टू सिक्सटी वन लाइनर अगर आप इस तरीके से जाए बट या वी कैन कवर जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिकली जो इंडिया से ओरियंटेड है बिकॉज इंडियंस विल बी कमिंग द मोस्ट इन द एग्जामिनेशन ठीक है अगला है इंडियन प्ले जिन्होंने स्कोर किए हैं दो ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट मैचेस हु इज़ द पर्सन ओके सो इसका जो आंसर है दैट इज बी वीरेंद्र सहवाग हरभजन सिंह की अगर बात करते हैं तो ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने फर्स्ट हैट्रिक लिया है इन टेस्ट मैच ठीक है टेस्ट मैच में फर्स्ट हैट्रिक लेने वाले कौन हैं हमारे हरभजन सिंह हैं ठीक है जो कि इंडियन है ठीक है ध्यान देना इंडियन चेतन शर्मा कौन है ये हैं जिन फर्स्ट इंडियन जिन्होंने फर्स्ट हैट्रिक लिया है इन वनडे इंटरनेशनल तो हरभजन सिंह किसके हैं उन्होंने फर्स्ट हैट्रिक लिया था टेस्ट मैच में लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट हैट्रिक इन वनडे इंटरनेशनल तो वो हैं हमारे चेतन शर्मा और किसके अगेंस्ट किया था दिस वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड ओके नेक्स्ट इज सुनील गावस्कर एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाई बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट बैट्समैन जिन्होंने कंप्लीट किए थे टेन थाउजेंड रन्स इन टेस्ट क्रिकेट ठीक है तो अगर कोई पूछे कि फास्टेस्ट कौन है फास्टेस्ट टेन थाउजेंड रन्स किसके हैं इन द टेस्ट क्रिकेट सो द आंसर विल बी सुनील गावस्कर ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आउ हु इज़ द हाइस्ट रन स्कोरर इन टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी में सबसे ज़्यादा जो रन हैं वो किसके हैं सो so, विराट कोहली के हाइएस्ट रन हैं अभी तक इन टी ट्वेंटी इनके जो रन हैं दैट इज़ ओवर थ्री थाउजेंड और ये दिस इज़ बिटवीन टू थाउजेंड टेन टू टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन ठीक है एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लसित मलिंगा तो ये क्या है मैक्सिमम विकेट टेकर हैं इन टी ट्वेंटी ठीक है टी ट्वेंटी में मैक्सिमम विकेट टेकर हैं और इन्होंने टोटल 107 विकेट्स ली हैं टिल डेट सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्कोर्ड मोस्ट रन इन ओडीआई क्रिकेट मैच वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा रन किसने स्कोर किए हुए हैं सो so, इसका जो आंसर है दैट इज सचिन तेंदुलकर अभी हमने डिस्कस किया था कि लीडिंग रन स्कोरर टेस्ट क्रिकेट में कौन है सचिन तेंदुलकर ही थे और यहाँ पे भी सचिन तेंदुलकर ही हैं ओके सो द आंसर इज सचिन तेंदुलकर इनके ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास पास रन हैं ठीक है एटीन के आसपास आप मान सकते हैं सो दैट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ रनस एंड अगर पूछें कि मोस्ट विकेट्स किसने ली हैं इन वन डे इंटरनेशनल ओके तो वो किसने ली है ग्लेन मैकार्थ और ये कौन सी कंट्री से हैं ऑस्ट्रेलिया से हैं ओके okay? तो ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ओ डी आई वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये वन डे इंटरनेशनल फॉर्मेट में होता है हर चार साल में होता है इसके साथ साथ इसे आई सी सी एडमिनिस्टर करती है और हर मैच uh, में फिफ्टी ओवर्स होते हैं मतलब हर टीम जो है वो पचास ओवर खेलती है ठीक है सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके साथ साथ 2019 में ये गेम इंग्लैंड में कंडक्ट हुआ था अब मुझे आप ये बताएंगे कि इसमें विनर कौन था ठीक है 2019 में विनर कौन था 2023 की अगर बात करते हैं सो इट सो इट इज गोइंग टू बी इन इंडिया ठीक है सो so, आपका जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 वो कहाँ होगा इंडिया में होगा ठीक है Moving on to the next question, that is which country will host 2022 edition of ICC Women World Cup? So ICC Women World Cup जो है, वो कहाँ पर होस्ट होने वाला है 2022 में? So the answer for the same is New Zealand. तो 2022 के होस्ट जो है, वो New Zealand है। अगर पूछे फर्स्ट एडिशन तो हमने डिस्कस किया था राइट वेमेन वर्ल्ड कप का सो फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था 1973 में इंग्लैंड में हुआ था विनर कौन थी इंग्लैंड uh, की ही टीम थी अगर मोस्ट सक्सेसफुल पूछे मोस्ट सक्सेसफुल कौन सी टीम है ठीक है मतलब सबसे ज्यादा किसने वर्ल्ड कप जीते हैं वेमेन टीम कौन सी है तो सिक्स टाइटल आज तक आपकी ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है मेन्स वर्ल्ड कप की होस्ट रहने वाली है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इससे पहले राइट right? Uh, अच्छा इसके साथ साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी मोस्ट रन एंड मोस्ट विकेट जब वुमेन वर्ल्ड कप की बात आती है तो वो कौन है ठीक है सो मोस्ट रन की बात करें सो शी इज़ डेबले हॉकले एंड अगर बात करते हैं मोस्ट विकेट्स की द लेडी इज़ लिन फुलस्टन ठीक है अब एक और चीज़ मोस्ट रन और मोस्ट विकेट्स जो हैं ठीक है ठेके? ये इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज़ ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में ठीक है आप मुझे एक चीज बताएंगे कि ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हु हैज बीन अवार्डेड सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अब ये ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखेंगे आंसर क्रिकेट ठीक है मार्क क्या करेंगे क्रिकेट मार्क करेंगे अब बात करें इसकी तो आंसर होगा इसका सी विराट कोहली विराट कोहली को ये सर गारफील्ड जो सोबर्स ट्रॉफी है ये मिली है एंड ही इज क्रिकेटर ऑफ डेकेड ठीक है सो विराट कोहली को इसके साथ साथ आईसीसी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड भी बोला गया है ठीक है तो इसके साथ साथ दो चीज़ें मिली हैं उन्हें भी ठीक है आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेट और सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर क्रिकेटर ऑफ द डेकेट अगर कोई बात करता है आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड कौन है डेकेड मीन्स टेन ईयर्स ओके सो आईसीसी अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें कि टेस्ट क्रिकेटर कौन है डेकेड का सो आंसर इज स्टीव स्मिथ ठीक है और अगर कोई बात करता है और अगर कोई बात करता है कि विमेन कैटेगरी में किसे मिला है सो आईसीसी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ डेकेड भी एल से पैरी हैं और आईसीसी की विमेन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल ठीक है इसकी भी प्लेयर ऑफ द डेकेड कौन है हमारी एल से पैरी ही हैं ठीक है सो so, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप प्लीज़ इसे याद रखना ओके इसके अलावा एम एस धोनी जो हैं दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वाई बिकॉज इनको क्या मिला है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है इन्हें ऑफ डेकेड ठीक है सो दिस इज़ अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ अपने दिमाग में स्टोर करके रखना बार बार इस वीडियो को दो बार देख लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा फाइनली सो ऑफकोर्स यूजफुल चीज़ है तो उसको एटलीस्ट एक दो बार रिवाइज कर लेना बिफोर एग्जामिनेशन नहीं तो फिर सब चीज़ों की खिचड़ी बन जाएगी कुछ याद नहीं रहेगा सो so, uh, मैंने इसीलिए एक साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक दूसरे से रिलेटेड है वो एक ही साथ डाली है ताकि चीज़ें आपको याद रह सके ईजिली ओके okay? इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट आई विश टू शेयर विद यू ठीक है सो so फर्स्ट है कि टाइम uh, आउट्स एक पर्टिकुलर आई में कितने होते हैं सो मैक्सिमम टू टाइम आउट्स होते हैं आई में नंबर ऑफ बाउंसर्स जो कि अलाउड होती हैं इन वन ओवर कितनी अलाउड होती हैं ठीक है सो दिस इज डिफरेंट फॉर बोथ वन डे इंटरनेशनल में और आपका जो टेस्ट होता है इसमें टू अलाउड होती है लेकिन अगर हम बात करें टी ट्वेंटी में सो टी ट्वेंटी में सिर्फ वन अलाउड होती है ठीक है मैक्सिमम वर्ल्ड कप कौन जीत चुका है आज तक सो ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन दैट टर्म्स ओके टी ट्वेंटी में जो आपके पावर प्ले होते हैं अगर उनकी बात करें सो फर्स्ट सिक्स ओवर्स के अंदर दो बाहर होते हैं ठीक है टू आउटसाइड थर्टी यार्ड ओके एंड अगर हम बात करें मैक्सिमम कितने बाहर खड़े हो सकते हैं आफ्टर सिक्स ओवर्स सो मैक्सिमम जो हैं आपके पांच लोग हैं जो खड़े हो सकते हैं आउटसाइड थर्टी यार्ड सो यू शुड बी नोइंग दिस ये आपका थर्टी यार्ड वाला सर्कल है इससे बाहर टी ट्वेंटी के अंदर ठीक है टी ट्वेंटी के अंदर क्या हो सकते हैं दो आउटसाइड हो सकते हैं पहले सिक्स ओवर्स के अंदर और उसके बाद सिक्स ओवर्स के बाद बाहर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम पाँच खड़े हो सकते हैं ठीक है थीके? ये हमने टी ट्वेंटी का डिस्कस किया इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग दूसरे सेटअप की ठीक है दैट इज़ योर 50 ओवर्स वाला पावर प्ले ठीक है अगर उसकी बात करें सो पावर प्ले में क्या होता है फर्स्ट से टेन ओवर्स में बाहर दो लोगों से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं इलेवन से फोर्टी के बीच में बाहर चार से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और फोर्टी वन से फिफ्टी के अंदर पाँच से ज़्यादा बाहर नहीं होने चाहिए अब इसमें एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इसमें फायदा किसे हो रहा है इसमें बैटिंग टीम को फायदा हो रहा है और यहां पे किसको हो रहा है फील्डिंग टीम को फ़ायदा हो रहा है ठीक है सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट यू शुड नो इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ दैट प्लीज मेक श्योर कि आप जो आपकी फील्ड है उसकी मेजरमेंट्स को एक बार देख लेना पिच जो है वो ये सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें रेक्टेंगुलर पार्ट जिसके अंदर लोग खेलते हैं ठीक है और ये वाला काफी रफ एरिया होता है दिस इज कंसिडर्ड एज पिच और आपने विकेट देखी होगी सो so विकेट के अंदर ये आपके स्टम्प्स होते हैं वुडन स्टम्प्स तो टोटल कितने होते हैं वुडन स्टम्प्स तीन होते हैं बेल्स कितने होते हैं दो होते हैं ठीक है और कोई भी बैट्समैन आउट कब माना जाता है जब ये दोनों बेल्स जो हैं वो गिर जाते हैं ठीक है सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब इसके साथ हम टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे जो टर्म्स रिलेटेड टू क्रिकेट एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसको क्या बोलते हैं ये ध्यान रखना ये पिच है ठीक है और ये काफी रफ रह एरिया यहां पर ग्रास नहीं होती है ओके स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंट टर्म्स नाउ तो बीमर क्या होती है बीमर क्या है बेसिकली जब भी कोई फास्ट बॉलर इस तरीके से बॉल डालता है कि इंस्टेड ऑफ आपने देखा होगा ऐसे बॉल जाती है राइट ये अगर ग्राउंड है उस पर टच होके जाती है लेकिन अगर वो डायरेक्टली जाए सो दिस इज नोन एज बीम बेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अभी आपसे डॉली क्या है कोई भी बहुत ही ईजी कैच जो कि एक फील्डर ने ली हो उसको हम डॉली बोलते हैं एज स्निक या निक अगर कोई पूछे ये क्या होता है सो so इसमें क्या होता है कि बैट्समैन uh, जो है वो उसका जो बैट है उसका सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन टच हो जाए बॉल से और वो विकेट कीपर जो है उस पर्टिकुलर बॉल को पकड़ ले सो दिस इज बेसिकली एज स्निक या फिर निक ठीक है नेक्स्ट वन इज मेडन मेडन ओवर आपने काफी बार सुना होगा एक ओवर जिसमें कोई भी रन नहीं आया नो रन स्कोर्ड ओके सो दैट इज मेडन ओवर पावर प्ले ऑलरेडी आई डिस्कस्ड विद यू दोनों

कमिंग टू द नेक्स्ट वन इट इज एल बी डब्ल्यू एल बी डब्ल्यू क्या होता है यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लेग बिफोर विकेट इसकी फुल फॉर्म है जब भी कभी बैट्समैन जो है वो कुछ इस तरीके से खड़ा हो विकेट के सामने कि जो उसके पैर पे स्टम्प्स होते हैं यू मस्ट हैव सीन राइट है पैट्स को यूज़ करके इस तरीके से मतलब इसके सामने खड़ा हो कि ये डायरेक्टली हिट ना करे बॉल तो उसमें क्या होता है यूज़ुअली uh, देखा जाता है कि क्या वो हिट कर रहा है अगर होता है तो लेग like, बिफोर विकेट के थ्रू उसे आउट कंसिडर किया जाता है इनकेस अगर बॉल स्ट्राइक होके और सीधा विकेट में जा रही हो ठीक है नेक्स्ट वन इज़ बाइस सो बाइस क्या होती है जब भी कभी बॉलर है वो डिलीवर करता है बॉल को इस तरीके से कि ना ही तो वो नो no बॉल होती है और ना ही वो वाइड होती है और वो इस तरीके से पास होती है स्ट्राइकर के थ्रू कि ना ही उसके बैट को टच कर रही है ना ही किसी पर्सन को टच कर रही है तो इस कोई कंडीशन में अगर कोई रन लेता है भाग के कोई भी प्लेयर तो उसे कंसिडर किया जाता है और इवन ये बॉल जो है वो बाउंड्री क्रॉस कर जाती है डायरेक्ट करेगी तो सिक्स ठीक है और अगर टच करके करेगी तो फोर तो ये रन दिए जाते हैं इनको बाईस बोलते हैं ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन डक वर्थ ल्यूस ये एक ऐसा मेथड है कि अगर कभी इंटरप्ट हो गया आपका गेम तो उस वेदर कंडीशन uh, में अगर फाइंड आउट करना है दैट वूज द विनर तो इस मेथड के थ्रू उसे फाइंड आउट किया जाता है नेक्स्ट वन इज गली गली क्या है एक फील्डिंग पोजिशन है जो कि ऑफ साइड में होती है दैट इज बिटवीन पॉइंट एंड द स्लिप्स तो मैं आपको दिखा देती हूँ सो दिस इज द गली ठीक है ये एक पोजिशन है दैट इज अ फील्डिंग पोजिशन एंड ये ऑफ साइड ऑफ साइड ये क्या है ये ऑन साइड है मतलब टू वर्ड्स uh, जो आपके uh, मतलब प्लेयर हैं उसकी तरफ दिस इज ऑन साइड और ये पीछे की तरफ क्या है ऑफ साइड सो ऑफ साइड में ये एक पोजिशन होती है ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन गोल्डन डक क्या होता है गोल्डन डक जब भी कभी बैट्समैन जो है वो फर्स्ट बॉल में आउट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं गोल्डन डक बोलते हैं ठीक है रफ क्या है रफ एक वॉर्न आउट सेक्शन है जो कि पिच में होता है सो बेसिकली मैंने आपको बताया वहाँ पे ग्रास नहीं होती है ठीक है सो इट इज़ अ वॉर्न आउट सेक्शन नाउ नेक्स्ट थिंग इज एसोसिएटेड कप्स एंड ट्रॉफीज और जितनी मैंने इसमें ऐड की हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है थीके? बहुत सारी और भी हैं बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी मैंने आपको एशेज बताया था किसके बिटवीन होता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और हर दो साल में खेला जाता है रणजीत ट्रॉफी हमारे देश के नेशनल चैंपियनशिप है सो बहुत इंपॉर्टेंट है ईरानी कप दियोधर ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट आईपीएल ऑलरेडी हम इतना डिस्कस कर चुके हैं अब तो आपको याद भी हो गया होगा बिग बैश ली कोच बिहार ट्रॉफी और सैयद मुश्कत अली ट्रॉफी ये सारी ट्रॉफीज क्रिकेट से एसोसिएटेड है प्लीज एक बार इसे पढ़ लेना ठीक है दो तीन बार पढ़ लेना उससे क्या होगा कि चीज याद रह जाएंगी ठीक है द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फर्स्ट हु इज हु और जो क्रिकेट में सबसे ज्यादा फेमस हैं ठीक है थेके? अभी जो लेटेस्ट वाले हैं वो ये तीन हैं सो प्लीज़ इस पर ज्यादा ध्यान देना इसके अलावा आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे अभी कोई विमेन है जो कि एम्पायर की, की तरह किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ गेम में देखी गई है वॉट इज हर नेम नेम दैट फीमेल ठीक है और कमेंट सेक्शन देख लेना ताकि आप सबको पता चल जाए क्योंकि काफी बच्चे हैं जो आंसर देते हैं ओके फर्स्ट बॉलर जो है जो क्लेम कर चुके हैं 500 हंड्रेड विकेट्स इन टी ट्वेंटी कौन है ही इज डेन ब्रावो ठीक है और ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है ये आप मुझे बताएंगे एट्थ क्रिकेटर जिन्होंने सिक्स सेंचुरीज एक ओवर में हिट किए हैं नाउ ऑलरेडी दिस क्वेश्चन हैज़ कम अप युवराज सिंह के रिगार्डिंग आई था इफ यू रिमेंबर ओके तो अब जो बने हैं दैट इज द एट्थ क्रिकेटर ठीक है सो so, नेम क्या है उनका पेरेरा है, ठीक है एंड वन मोर थिंक जो इंडियन है जिन्होंने ऐसे सिक्स सेंचुरीज मारे हैं तो वो कौन कौन है एक तो अपने रवि शास्त्री हैं ठीक है रवि शास्त्री सबसे पहले थे इंडियन और उसके बाद कौन है युवराज सिंह है ठीक है एंड गैरफील्ड सोबर्स हर्षले गिब्स उन लोगों ने भी मारे हुए हैं सो दैट इज़ ऑल्सो थिंक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ये मैंने करंट अफेयर्स में भी कवर किया था ठीक है तो यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने सारे फॉर्म में खेल लिया और सबसे इम्पोर्टेंट बात शी इज़ अ फीमेल ठीक है सो so, कौन है शिफाली वर्मा तो शिफाली वर्मा जो है वो पहली बनी है क्रिकेटर जिन्होंने सारे फॉर्मेट्स खेल हैं एंड शी द यंगेस्ट वॉन्ट टू डू दैट और इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस है बिकॉज पहली बात ये फीमेल है दूसरी बात क्रिकेट से एसोसिएटेड है दोनों एफ्केट के फेमस चीज़ हैं तो ऑफकोर्स आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सेंचुरीज वर्ल्ड कप में कौन मार चुका है सो इसका जो आंसर है दैट इज़ रोहित शर्मा एंड योर सचिन तेंदुलकर ठीक है क्यों इन दोनों ने अभी तक सिक्स सेंचुरीजें मार चुके हैं सो बोथ ऑफ देम आर दे अगर रिसेंट पूछे तो रोहित शर्मा है ठीक है मोस्ट सेंचुरी सिंगल वर्ल्ड कप में एक वर्ल्ड कप में सो so, आंसर इसका क्या है रोहित शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना क्यों क्योंकि इन्होंने पाँच सेंचुरीज मारी थी 2019 वर्ल्ड कप में ठीक है एक ही वर्ल्ड कप में पाँच सेंचुरीज मारना वेरी वेरी बिग थिंग ओके और फर्स्ट सेंचुरी टी ट्वेंटी में वो किसने मारी है सो द आंसर इज़ क्रिस गेल ठीक है और ये कौन सी कंट्री से इज़ फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ और इन्होंने किसके अगेंस्ट करा था कौन सा मैच था तो इट वॉज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ठीक है सो so, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी याद रख लेना विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ क्रिकेट और काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको एक ही वीडियो में दी हैं इट लिटरली टेक्स अ लॉड ऑफ हार्डवर्क टू मेक दिस वन वीडियो जिसके अंदर सारी चीज़ें इकट्ठे करके डालनी है टेक्स मी ऑलमोस्ट टू टू थ्री डेज टू बी वेरी सीरियस बिकॉज मुझे हर चीज बहुत अच्छे से निकालनी पड़ती है सो प्लीज कंसिडर द हार्डवर्क एंड मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट अगैन एंड अगैन बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर ऑल ऑफ यू ताकि यू गेट सम हेल्प आउट ऑफ दिस मटीरियल ठीक है सो प्लीज़ रिवाइज करके जाना बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि आप एक भी मार्क मिस आउट करें इन एग्जामिनेशन ओके गाइज सो ऑल द वेरी बेस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड आई एम वेरी श्योर दैट लॉर्ड ऑफ यू विल भी इन दैट लिस्ट ऑफ क्लरिंग ऑफ कैट फॉर श्योर एंड यू आर गोइंग टू मेक मी एंड योर पेरेंट्स वेरी वेरी प्राउड सो कुडोज टू ऑल ऑफ यू हुर इज स्टडिंग हार्ड एंड मेकिंग श्योर कि वो इफ कैट के लिए पढ़ रहे हैं ढंग से और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे ओके गाइज ऑल द बेस्ट टेक केयर